गौतम अडानी के लिए लगभग महीने भर बाद एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बीते साल गौतम अडानी की दौलत में बेशुमार इजाफा हुआ, लेकिन जून महीने में गौतम अडानी का मुश्किलों भरा दौर शुरू हो गया। मात्र एक महीने में शेयरों की चाल ने उनकी दौलत को कई अरब डॉलर घटा दिया, लेकिन अब उनके हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। दरअसल अडानी ग्रुप ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रबंधन अपने हाथ में लिया है। इसके अलावा अडानी ग्रुप के पास लखनऊ, मैंगलोर और अहमदाबाद एयरपोर्ट की कमान भी पहले से मौजूद है। अब अडानी ग्रुप के पास कुल मिलाकर देश के 4 एयरपोर्ट्स का काम है। बता दें, अडानी ग्रुप ने पिछले साल के आखिर में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मैंगलुरु, लखनऊ और अहमदाबाद एयरपोर्ट का अधिग्रहण किया था। अब माना जा रहा है कि इस महीने के अंत तक अडानी ग्रुप जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट का भी अधिग्रहण कर लेगी। अडानी ग्रुप इन 6 एयरपोर्ट्स का विकास, प्रबंधन और परिचालन अगले 50 साल तक करेगी। दरअसल अडानी ग्रुप का मकसद एयरपोर्ट्स की संख्या के हिसाब से देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर बनने की है। इसी योजना के तहत देश के कई एयरपोर्ट्स में ग्रुप ने दिलचस्पी दिखाई है। वहीं अडानी ग्रुप के शेयरों में बीते महीने आई गिरावट के कारण पर नजर डालें तो अडानी ग्रुप की लगभग हर कंपनी में जून के महीने में गिरावट देखने को मिली। लगातार शेयर बाजार में अडानी ग्रुप के शेयरों की पिटाई चलती रही। इस पिटाई के पीछे का कारण रही एक खबर। खबर थी कि NSDL ने 3 FPI के अकाउंट, अलबुला इन्वेस्टमेंट फंड, क्रिस्टा फंड और APMS इन्वेस्टमेंट फंड के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है। खबर थी कि ये तीनों फंड सेबी में विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के तौर पर रजिस्टर्ड थे और मॉरिशस से अपना कामकाज चला रहे थे। ये तीनों पोर्ट लुई में एक ही पते पर रजिस्टर्ड थे और इनकी कोई वेबसाइट भी नहीं थी। हालांकि बाद में ग्रुप ने दोनों एक्सचेंज पर इस खबर का खुलासा करते हुए बताया कि किसी भी विदेशी निवेशकों के डीमैट अकाउंट को फ्रीज नहीं किया गया था। लेकिन इस खबर के बाहर आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट देखी गई। इस गिरावट के बाद अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर 5%, अडानी टोटल गैस का 5%, अडानी ट्रांसमिशन का शेयर भी 5%, अडानी पावर का शेयर 4.96%, अडानी इंटरप्राइजेस का शेयर 15% और अडानी पोर्ट का शेयर 14% तक टूट गया था। मात्र इस खबर के आने से ही निवेशकों को शुरुआती घंटे में ही करीब 50,000 करोड़ का नुकसान हो गया था। वहीं गौतम अडानी का नुकसान तो सेकंडों के हिसाब से करोड़ों में हो रहा था। फिलहाल सब बुरी खबरों के बीच देश के कुछ चुनिंदा एयरपोर्ट्स गौतम अडानी संभालने जा रहे हैं, जो उनके लिए इस समय एक राहत भरी खबर जरूर होगी।